मैं काफी मतलब इमोशनल हुआ कि ऐसे भी बच। जो आपकी न्यूज चैनल से ये नशर खबर हुई और जो आपने खुद भी आप सेलिब्रेशन के पार्ट थे वहाँ पे, जहाँ बिस्मा और एहसान के घर हम गए, तो उसी के तनाजुर में डायरेक्टर साहब ने वो वीडियो देखा था और वो आज यहाँ चले आए। इन्होंने बहुत मेहनत की, अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं, 389 और 360 हो गया है कि 100% हेयरिंग डिसेबल है, लेकिन इसने 400। हमारी स्टोरी जो है आज रंग लाई है, आज कामयाब हुई है और उसका असर जो है आज देखने को मिला जब डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर यहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों से मिले और जिन्होंने हालिया 10वीं जमात के इम्तहान के नतज में बेहतरीन कारकर्द का मुजाहरा दिखाया था, उन्हें फेलिसिटेट किया। आपको बता दें कुछ दिन कबल ही हमने एक स्टोरी की थी, एक स्टोरी पब्लिश की थी हसनपुरा बाग इलाके में, जहाँ पे यतीम भाई बहन एहसान और बिस्मा ने 10वीं जमात के इम्तहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। आपको बता दें उस दौरान हमें जब हम उनके घर पे पहुँचे वहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं था, क्योंकि अगर उस दौरान की हम बात करें उस वक्त नॉर्मल बच्चे जो थे उनके घर पे काफ़ी सेलिब्रेशन था, लेकिन उनके घर पे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। फिर हमें यही देखने को मिला कि जो ज़ैबापा इंस्टीट्यूट के जो फाउंडर है और जो पद्मश्री अवार्ड याफ्ता जावेद अहमद चाक साहब है वो वहाँ पे गए, उन्होंने न सिर्फ सरपरस्त होने का बल्कि वालदैन का भी फ़र्ज़ निभाया और उन्होंने उन्हें जो है मालाएँ पहनाई, उन्हें मिठाइयाँ खिलाई, काफ़ी जज्बाती हो गए थे उस दौरान जावेद अहमद टाक। और जब वो पब्लिश हुई वो स्टोरी, तो उस स्टोरी का असर जो है देखने को मिला। कहीं ना कहीं अगर हम इंतज़ामिया की बात करें, इंतज़ामिया भी कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरीज पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और उन्होंने भी संजीदगी का मुजाहरा किया। और आपको बता दें उसी के चलते आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने ज़ैबापा इंस्टीट्यूट का दौरा किया, यहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों से मिले और उन्हें फेलिसिटेट किया। बाकी काबिल तारीफ अगर हम महकमा तालीम की बात करें और उनके इस इकदाम की हमें काफ़ी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे जो होते हैं जिन्हें किसी किस्म का सपोर्ट हासिल नहीं होता है, जो स्पेशली एबल्ड होते हैं, जिस्मानी तौर माजूर होते हैं, असल में मुबारकबादी के मुस्तहिक ऐसे ही बच्चे होते हैं, तो उनके जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं हमें उनकी जो है हौसला अफजाई को बढ़ाना चाहिए और उससे दूसरे लोगों को भी सीख मिलती है कि जब ऐसे बच्चे जो है अपनी माजूरियत को आड़े नहीं लाते और जो जिस्मानी तौर तंदुरुस्त होते हैं वो क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे आपको यहाँ के मनाजर दिखाने की कि किस तरीके से इन्हें फेलिसिटेट किया गया, क्या कुछ जज्बात रहे यहाँ पे देख के इस बोर्ड में। हमारे साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर मौजूद है, जिन्होंने आज ज़ैबापा इंस्टीट्यूट का दौरा किया और वो यहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों से मिले और जिन्होंने हालिया 10वीं जमात के इम्तहान के नतज में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उन्हें फेलिसिटेट किया, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की जो डिजेबिलिटीज़ थी उन्हें फेलिसिटेट किया। तो काफ़ी अच्छा इकदाम उठाया है महकमा तालीम ने, जिसे हमें सराहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। जिस तरह से हमने पहले ही बताया कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उन्हें तो हर कोई हौसला अफजाई करता है, उनके पेरेंट्स उनके साथ होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई, ऐसे बच्चे जो है असल में मुबारकबादी के मुस्तहिक होते हैं। काफ़ी अच्छा इकदाम उठाए गए हैं महकमा तालीम की जानिब से, तो कोशिश करेंगे सीधे ही आपको डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर से रूबरू कराएं। जी सर, आपका इस्तकबाल है। जिस तरह से आज आप यहाँ पे आए ज़ैबापा इंस्टीट्यूट, आपने यहाँ पे स्पेशली एबल्ड बच्चों को फेलिसिटेट किया, इस हवाले से हमें बताइए। देखिए, हमारी यही बात होती है कि हम जो ऐसा सेक्टर हो जो नेगलेक्ट होता है उसको कैसे हम बूस्ट करेंगे और उनको कैसे हम अपने मेन स्ट्रीमिंग करेंगे। मैं आज यहाँ ज़ैबापा इंस्टीट्यूशन में आया हूँ,
यहाँ देख के बड़ा दिल खुश हुआ। जो जायद साहब और उसके साथियों ने यहाँ काम किया है बड़ा काबिल-ए-दीद काम है और इस काम को आगे ले जाने में हमें बहुत से कदम अभी उठाने हैं। तो वी विल बी देयर टू हेल्प दीज काइंड ऑफ चिल्ड्रन, जो हमारे सबसे लाल बच्चे हैं, ये नियामत है हमारे लिए। तो इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए, उनको अपनी टांगों पे खड़ा होने के लिए जो भी इकदाम करने होंगे हम करेंगे। और पहला ये स्टेप हमने शुरू किया इनको फैसिलिटेट करना, ताकि और भी हमारे टीचर्स, हमारे जो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो इनक्रेज हो जाए और एक कम्पिटिटिव सेटअप आए, ताकि वो अपने बच्चों को इसी तरह आगे ले जाए। सर, आपसे जानना चाहेंगे, अगर स्पेशली एबल्ड बच्चों की बात करें, इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए क्या कुछ इकदाम उठाए जाएंगे? जिस तरह से हमने जावेद अहमद टाक साहब से भी बात की, उनका यही कहना है कि खातर का इंतजाम करने चाहिए जो अभी तक मतलब ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहे हैं, तो क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पहले लिगेसी में मिला है। जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उसमें देर आर 100% प्रोविजन्स फॉर दी स्पेशली एबल्ड बच्चों। रैंप्स होंगे, स्पेशली एबल्ड टॉयलेट्स होंगे, एक ही प्लेटफॉर्म होगा। तो जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है उसमें हम 100% इनके लिए फैसिलिटी रखेंगे। वो जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम अपग्रेड करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, ताकि हर कोई स्कूल ऐसे बच्चों को एकोमोडेट करे। और आगे भी अगर इनके लिए रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने पहले ही रखी हुई है फॉर जॉब्स और फॉर अदर बेनिफिट्स, वो रिजर्वेशन ऑलरेडी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में और बढ़ोतरी करने की ज़रूरत है। जो हमारा एग्जिस्टिंग जो नया है तो उसमें हम काम कर रहे हैं। जी सर, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक इजाफा हुआ है, बच्चे परेशान हैं, वालदान परेशान हैं। सुनने में आया है कि जो समर वैकेशंस है वो जल्दी होंगे, इस हवाले से हमें अपडेट है। हम वी विल बी टेकिंग कॉल ऑन मंडे। हम देखते हैं अगर फोरकास्ट ऐसा रहा, स्कॉर्चिंग हीट बढ़ गई, तो वी विल बी टेकिंग डेफिनेटली ए कॉल। अगर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है या जो प्रेडिक्शन है कहते हैं कि मंडे से शायद बारिश हो जाएंगी, तो अगर ये कम होता देन वी विल टेक कॉल अकॉर्डिंगली। अगर बढ़ता है तो वी विल डेफिनेटली गो फॉर द हॉलीडेज, अगर कम होता है तो वी विल वेट, क्योंकि आगे जुलाई और अगस्त भी है, वहाँ भी इम्कान है कि ये हीट और बढ़ सके। हम सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर, जो हमारे साथ बात कर रहे थे, जो यही कह रहे थे कि ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हमें हमेशा आगे आना चाहिए और इनका मुस्तकबिल संवारने के लिए हम काफ़ी ज़्यादा पहल करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि अगर मौसम ऐसा ही रहा, अगर गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो हॉलीडेज हो सकती है, लेकिन अगर मौसम में तब्दीली आई, अगर बारिश हुई तो समर वैकेशन जो है वो चेंज भी हो सकते हैं। कोशिश करेंगे जो पद्मश्री अवार्ड विनिंग जावेद अहमद टाक साहब और जैबा आपा के जो फाउंडर हैं, इनसे भी बात करें। जी सर, आपका इस्तकबाल है। सर हमें बताएं, कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी की थी, उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला, आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन खुद यहाँ पे आए, तो हमें बताइए क्या कहना चाहेंगे? जो आपकी न्यूज़ चैनल से ये नशर खबर हुई और जो आपने खुद भी आप सेलिब्रेशन के पार्ट थे वहाँ पे, जहाँ बिस्मा और एहसान के घर हम गए, तो उसी की तनाजुर में डायरेक्टर साहब ने वो वीडियो देखा था और वो आज यहाँ चले आए, और हमें बहुत ही खुशी है और हमें यही लग रहा है कि कुछ और इनिशिएटिव्स आएंगे, जिसमें आपका भी बहुत बड़ा रोल रहा कि आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया। आपसे भी गुजारिश है कि वक्तन फवक्तन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के ये इश्यूज़ आप उभारें, और ताकि लोगों को भी एक सेंसिटाइजेशन हो और स्टेक होल्डर्स भी इसमें सामने आ जाए और ये मसले हम आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जावेद अहमद टाक का यही कहना, स्टेक होल्डर्स को आगे आने की ज़रूरत है, उन्हें खौतर का इंतजाम उठाने की ज़रूरत है, ऐसे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो भी संवर जाए। क्योंकि इससे पहले ही हमने एक स्टोरी की थी बिस्मा और एहसान को लेके, दोनों के तीन भाई बहन, उन्होंने अच्छे नंबर से 10वीं जमात के इम्तहान जो है पास किए हैं। जिस वक्त हम उनके पास पहुँचे थे, घर में कोई सेलिब्रेशन नहीं था, तो ऐसे में हम हसनपुरा बाग गए, वहाँ पे हमने क्या पाया, यही पाया कि वो भाई बहन, यतीम भाई बहन जो थे, वो घर पे ऐसे ही बैठे हुए थे, कोई सेलिब्रेशन नहीं था। ऐसे में जावेद अहमद टाक साहब वहाँ पे पहुँचे और उनकी खुशी को सेलिब्रेट किया, और उसका असर जो है कहीं ना कहीं देखने को मिला, और आज है डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन मीर ज़ैबापा इंस्टीट्यूट आए और कई सारे स्पेशली एबल्ड बच्चों को यहाँ पर जो है फेलिसिटेट किया,
जिसकी हमें काफ़ी सताइश करनी चाहिए, लोगों को जो है इसकी काफ़ी सताइश करनी चाहिए। मैंने जिस तरह से पहले ही कहा कि नॉर्मल बच्चों के पास हर कोई जाता है, लेकिन ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे समाज में जो है मुख्तलिफ किस्म के पैगाम जाते हैं और जो हौसला शिकनी के शिकार स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं से सीख हासिल करते हैं। अभी के लिए इतना ही, मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।